कॉमरेड अजीत सरकार जी जो हर लोगों के दिल में बसते थे, हर गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, आज हम लोगों के बीच नहीं है। उसको हम लोगों के बीच से छीना गया और वैसे लोग आज मैदान में हैं। आज लोगों को समझने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है कि कॉमरेड अजीत सरकार जी की शहादत हुई है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और किसी मोहल्ले किसी वार्ड के जो एक बड़े आरएसएस के नेता थे किशोर सिंह जी, उनकी भी हत्या हुई है और ये कोई भूल नहीं सकते। उनके भाई अभी मनोज सिंह जी यहाँ है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो उनकी भी शहादत को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। किस तरह से उन्होंने पूर्णिया के लिए सपना देखा था, आज इतने बड़े नेता को हम लोगों के बीच से छीना गया, ये सब हम लोगों को याद है। कोई भूले नहीं है, पूर्णिया के लोग अभी कभी भूलने वाले नहीं है। इसलिए फिर से वैसा दौर शुरू नहीं हो तो एक एक जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मतदाता हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूं कि फिर पूर्णिया उजड़े नहीं। पूर्णिया में जो अमन शांति जो बहाल हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है, जो यहाँ व्यवसायिक वर्ग है, चिकित्सक हैं, आम लोग हैं, उनका फिर जीवन जो है त्रस्त नहीं हो, इसको लेकर हम सब लोगों को संकल्पित होकर आज से इस अभियान में जुड़ जाना है। एक एक मतदाता तक जाकर लोगों को बताना है, जो फिर से देश में हमारे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40 का 40 सीट जीतना है, तो पूर्णिया भी 4 लाख से अधिक से अंतर से हम लोग जीते। भाई संतोष कुशवाहा जी को दिल्ली भेजें।